दोस्तों मैंने ये सोचा था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और रक्षाबंधन मूवी के बाद हमारे अक्षय भैया कुछ तो अच्छा करेंगे ही। कम से कम अब जो मूवी बनाएंगे उसमें वो पैसों के बारे में नहीं सोचेंगे और ना ही वो 21 दिन में मूवी समाप्त करने के बारे में सोचेंगे। आप लोगों को पता होगा कि रक्षाबंधन मूवी के एक महीने भी न हुए होंगे कि हमारे अक्षय भैया ने एक और मूवी को रिलीज कर दिया और ये मूवी है कठपुतली। इस मूवी का नाम कठपुतली है और अक्षय भैया हमारे जनता को कठपुतली ही समझते हैं कि कॉपी करने में बॉलीवुड तो बॉलीवुड, क्योंकि कॉपी करने में हमारे अक्षय भैया नंबर एक पे आते हैं। वो किसी भी साउथ फिल्म को उठा लेते हैं और उसी को बॉलीवुड में बना देते हैं। अगर आपने राक्षसन मूवीज पहले से ही देख के रखी है तो आप अक्षय भैया की कठपुतली बिल्कुल भी मत देखें, क्योंकि सेम स्टोरी एक ही जैसी है। लेकिन जो राक्षसन मूवी थी उसकी स्टोरी हमारे अक्षय भैया की कठपुतली मूवी से काफी ज्यादा अच्छी है। देखिए भाइयों, मैं अक्षय भैया की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन इन्होंने कुछ सालों में ऐसी अपनी इमेज को बेकार किया है कि एक साल में 10 मूवियां रिलीज कर करके अपने खुद के कॉन्फिडेंस को ही खत्म कर लिया है। अच्छे भैया, आप सुपरस्टार हो, सुपरस्टार। ऐसी मूवियां बनाओ जो लोगों को पसंद आए, ना कि आपकी मूवियों से लोग बोर होना शुरू कर दे। हालांकि मैं यहां पे आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ अच्छा तो करो। अब बात करते हैं कि आखिर इस मूवी ने कमाई कितनी की। तो देखिए दोस्तों, हॉटस्टार ने पता नहीं अक्षय भैया की इस मूवी में क्या देख लिया। इस मूवी के लिए अक्षय भैया को 138 करोड़ रुपए दे दिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस मूवी के लिए अक्षय भैया को 138 करोड़ रुपए हॉटस्टार के द्वारा दिए गए। अगर ये हाल में रिलीज की जाती मूवी तो ये 50 करोड़ की भी कमाई न करती। दोस्तों आपने अगर कठपुतली मूवी देखी है तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।